तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन एक पॉइंट नया है इसके अंदर, तो आपको खुद ब खुद सोचना पड़ेगा कि उस पॉइंट का क्या करें। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। जी कंसाइंस फाइव हंड्रेड केसेस ऑफ गुड्स यानी कि बॉक्सेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 टू आर। जीज एक्सपेंसेस कैरेज 15,000 फ्रेट 45 लोडिंग चार्जेस 15,000। इस लोडिंग का मतलब है सामान को लोड करना। मार्जिन वाली जो लोडिंग है वो है प्रॉफिट की लोडिंग। यहाँ पे लोडिंग का मतलब है सामान को लोड करना। उसके बाद है आर के खर्चे, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस 18,000, स्टोरेज चार्जेस 25,000, एंड पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस 7,000। तो पैकिंग एंड सेलिंग का मतलब है कस्टमर को सामान बेचते हुए वो वाली पैकिंग है ये। कंसाइनर जो पैकिंग करता है तो हमारे पास सामान भिजवाते हुए, और यहाँ पे पैकिंग एंड सेलिंग है मतलब सेल करते हुए जो एडिशनल एक्स्ट्रा पैकिंग करी होगी ये वो है पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। फिर देखते हैं कंसाइनी ने कितना सामान बेचा है। आर सेल्स 350 केसेस। दिवेक कह रहे हैं मैम सिर्फ 1500 का सामान बेचा है। दिवेक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। आर सेल्स 350 केसेस एट रुपीज 2100 पर केस। ठीक है, केस यानी कि बॉक्सेस। देन नेक्स्ट लाइन, इट इज फाउंड दैट फिफ्टी केसेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। अच्छा भाई यहाँ पर लिख लो कॉस्टिंग रुपीज 1500 ईच। लिखो भाई लिखो, एट रुपीज 1500 ईच। It is found that 50 cases were lost in transit and another 50 cases are still in transit. R is entitled to a commission of 10% on sales. Question ki samapti, prepare consignment account and consignee account.
तो देखिए ये हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल पेपर प्रेजेंटेशन रखेंगे, बिल्कुल पेपर प्रेजेंटेशन की तरह सॉल्व करना, एकदम नीट एंड क्लियर, और जहाँ वर्किंग्स की ज़रूरत हो वो वर्किंग नोट में आप क्लियरली शो करना।
विवेक, तान्या, आर्यन, दिवेश, मुस्कान, सबका आंसर गलत है. प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. क्वेश्चन को आराम से करो, जल्दी मत करो. रितेश, विवेक, रिद्धि, मुस्कान, उदिति. प्रॉफिट गलत है. ओफो मैम, ये क्या हो रहा है? मैं फिर से कह रही हूँ, आराम से चेक करो, तसल्ली से करो, जल्दी मत करो, फिर से देखो आराम से. अब ये अचानक से क्या हुआ? 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ने जो है करेक्ट आंसर निकाल लिया है. तो भाई कंसाइनमेंट इन्वेंट्री की वैल्यू देखो, यहीं पर मिस्टेक हो रही होगी, बाकी तो आई सपोज कहीं मिस्टेक नहीं हुई होगी. उम्मीद है एबनॉर्मल लॉस आप सब ने कैलकुलेट कर लिया होगा. 82,500. अगर एबनॉर्मल लॉस किसी का नहीं आया है तो बताइए पहले. कपिल, कपिल का एबनॉर्मल लॉस नहीं आया. तो देखो कपिल, मैं यहीं पर अकाउंट में कैलकुलेट कर देती हूँ. 50 यूनिट्स हमारी लॉस्ट हैं. 50 यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस 1500. ठीक है, एक तो ये हो गया लॉस. उसके बाद फिर हमें करने हैं खर्चे प्रोपोर्शनेट. तो क्योंकि लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो सिर्फ कंसाइनर का खर्चा प्रोपोर्शनेट करेंगे. रास्ते में ही सामान खोया तो कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं. तो कंसाइनर का खर्चा 75,000. 75,000 का खर्चा है हमारा. फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड केसेस पर, और हमें चाहिए प्रोपोर्शनेटली 50 केसेस पर. तो देखो ये आप चेक करो, 82,500.
अच्छा, तो कपिल ने जो मिस्टेक करी वो यहाँ पर हो ही जाती है इस क्वेश्चन में। तो कपिल ने कहा कि मैम मैंने कॉस्ट 500 रुपये ले ली, तो कॉस्ट तो हमारी 1500 रुपये है, केसेस हमारे 500 हैं। फिर देखते हैं कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री। कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री आ रही है 84750। अभी मैं इसमें प्लस कर रही थी, 84750 प्लस कुछ कुछ और भी इन्वेंट्री है। कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री हमारे पास इस समय दो पार्ट में आएगी, इन्वेंट्री इन हैंड एंड इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। जो हमारा सामान इन ट्रांजिट होता है ना, इन ट्रांजिट का मतलब है रास्ते में है, अभी अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। तो गुड्स इन ट्रांजिट की अकाउंटिंग कैसे होती है? तो इसका एक रूल है, जिसकी तरफ सामान आ रहा होता है उसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है? तो क्योंकि सामान रास्ते में है तो कंसाइनी की तरफ आ रहा है, पहुंच रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, पर क्योंकि रास्ते में है पहुंच रहा है, तो हम इसको दिखाते हैं पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं कि ये इन्वेंट्री अभी हमारे पास आई नहीं है, अभी ये इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है। तो यहाँ पर जब आप इन्वेंट्री निकालोगे तो दो अमाउंट्स आप लिखोगे, इन्वेंट्री इन हैंड, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। तो अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन हैंड की, तो ये तो वैल्यू आपकी आ रही होगी 84750, जिसके लिए आप सब यस कर रहे थे कि हाँ ये तो आपने निकाल लिया इन्वेंट्री इन हैंड। अब आप निकालो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, इसकी वैल्यू देखो, चेक करो कितनी आ रही है। अगर किसी का इन्वेंट्री इन हैंड नहीं आया है तो मैं कैलकुलेट करती हूँ, आप चेक करो। इन्वेंट्री इन हैंड सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स। तो 500 केसेस चले थे कंसाइनर के यहाँ से, 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, 350 केसेस हमने बेच दिए। तो टोटल जो इन्वेंट्री है वो हमारी है 100 केसेस, जिसमें से 50 इन ट्रांजिट है और 50 इन हैंड है। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास है 100 यूनिट्स, 100 केसेस, 50 इन ट्रांजिट, 50 इन हैंड। तो चेक करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू। इन्वेंट्री इन हैंड और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट दोनों को करते हैं वैल्यू। सबसे पहले देखेंगे इनकी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस 1500 पर केस है, 50 × 1500 इन्वेंट्री इन हैंड। इन्वेंट्री इन ट्रांजिट की भी कॉस्ट सेम है क्योंकि 50 यूनिट्स ही हैं। तो 50 × 1500 75,000। फिर ऐड करते हैं इसके अंदर खर्चा,
प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे सबसे पहले कंसाइनर के. कंसाइनर कौन है हमारे? जी. तो यहाँ पर हमारे पास कंसाइनर के तीन प्रकार के खर्चे हैं, तो थोड़ा सा समय बचा लेते हैं और टोटल खर्चा प्रोपोर्शनेट कर देते हैं. तो जीज एक्सपेंसेस, तो जो खर्चा है हमारे पास 1545 and 15, सेवेंटी फाइव थाउजेंड का एक्सपेंडिचर 500 केसेस पर हमें चाहिए 50 पर. सेम इन ट्रांजिट भी हो जाएगा. इन ट्रांजिट जो सामान है उस पर भी हम कंसाइनर का खर्चा लेंगे. तो 75,000 अपॉन 500 इंटू 50. ठीक है, तो ये आप बता रहे हो 7500. अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, अब जब हम ऐड करेंगे कंसाइनी का खर्चा, आर का एक्सपेंस, आर के एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस हम आर का ऐड करेंगे? क्लियरिंग चार्जेस. स्टोरेज तो ऐड करेंगे नहीं, वो तो स्टोरेज है, वो गोडाउन रेंट है, वो तो इन्वेंट्री में आएगा नहीं. पैकिंग एंड सेलिंग सेल से रिलेटेड है, वो भी नहीं आएगा. तो हम ऐड करेंगे क्लियरिंग चार्जेस. क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस का हमारे पास अमाउंट आ रहा है 18,000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मिस्टेक है, पर मैं समझती हूँ आपने नहीं की होगी. हाँ नहीं की है आपने. डिवाइड करेंगे इसे 400 से. 400 से क्यों? कौन से यहाँ पे 100 मैंने माइनस करे हैं? 50 यूनिट्स जो लॉस्ट इन ट्रांजिट हैं और 50 यूनिट्स जो इन ट्रांजिट हैं. क्योंकि कंसाइनी के पास फिलहाल सामान कितना पहुंचा है? 400 यूनिट्स. तो क्लियरिंग, क्लियरिंग मतलब सामान शिप से आ रहा है तो वहाँ से हमने क्लियर कराया है, तो क्लियरिंग चार्जेस उतनी ही यूनिट्स पर जितनी यूनिट्स पहुँची हैं. तो 18,000 अपॉन में 400 प्रोपोर्शनेट करेंगे हम इसे 50 यूनिट से. तो देखो ये आपका अमाउंट कितना आ रहा है, 2250. और जब हम वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, लॉजिकली हम इस खर्चे को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? जब कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं, कंसाइनी ने क्लियर करा ही नहीं, तो इन यूनिट्स पर ये खर्चा अभी इनकर हुआ ही नहीं. तो जब हम इन ट्रांजिट इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं तो हम इस खर्चे को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट 82,500, इन्वेंट्री इन हैंड 84,750. तो ये हमारी टोटल इन्वेंट्री है. बस इसको पोस्ट करेंगे और फिर देखेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. तो आराम से देखिए इन्वेंट्री. सिर्फ यहाँ पर हमने नई चीज़ ये सीखी है कि अगर इन्वेंट्री ट्रांजिट में भी है तो भी कोई बात नहीं, हम उसे बुक्स में दिखाते हैं. स्पेशल नाम देते हैं हम इन्वेंट्री इन ट्रांजिट. जब हम उसको वैल्यू करेंगे तो भाई कंसाइनी का खर्चा हम नहीं ले रहे क्योंकि कंसाइनी ने खर्चा भी किया ही नहीं. कंसाइनर का ले रहे हैं. कंसाइनर का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कंसाइनर तो वो खर्चा इनकर कर चुका है. जैसे ही सामान कंसाइनर के यहाँ से चला था, खर्चा इनकर हो चुका था. इसलिए जब हम इन ट्रांजिट वैल्यू कर रहे हैं तो कंसाइनर का खर्चा हम इंक्लूड करेंगे.
हाँ जी करेक्ट, प्रॉफिट आ रहा है 36,250। क्या ये 82,500 हमें इन्वेंट्री का ही पार्ट दिखाना है? हाँ जी इन्वेंट्री का ही दिखाएंगे, इन्वेंट्री का ही मानते हैं इसे, इसलिए इन्वेंट्री का ही पार्ट दिखाएंगे। तान्या 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 बेटा, इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस तो है ही नहीं, इनवॉइस प्राइस तो है ही नहीं। भाई सबसे पहले ये चेक करो कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन बनता है कॉस्ट और सेल, इसलिए ना कोई लोडिंग ना कोई रिजर्व। कैसे पता चलेगा इनवॉइस प्राइस है या नहीं? क्वेश्चन के अंदर तीन प्राइसेस हमें दिखने चाहिए। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको इसके अंदर दो ही प्राइस दिखेंगे, तीसरा प्राइस ही नहीं है। देखो एक प्राइस तो मुझे ये दिख रहा है 1,500, एक तो प्राइस ये हो गया। दूसरा प्राइस देखो मुझे ये दिख रहा है 2,100। और कोई प्राइस दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर? नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब देर आर ओनली टू प्राइसेस, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। तो जब इनवॉइस है ही नहीं तो वो सारी बातें खत्म हो गई, लोडिंग रिजर्व वो सब चीज़ें खत्म हो गई। सिंपल क्वेश्चन बन गया कॉस्ट और सेल, बिना लोडिंग के बिना रिजर्व के सॉल्व करेंगे। ठीक है तो चलिए भाई अमाउंट डाल देते हैं, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। ओके तान्या थैंक यू, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट 82,500। और हमारे पास आ गया प्रॉफिट 36,250। तो ये जो 36,250 का अमाउंट है ना, ये सबसे पहले एक स्टूडेंट ने निकाला तो था, बट उसने मिस्टेक ये की थी कि ये प्रॉफिट है और आपने लिखा था लॉस। तो या तो आपने लिखने में गलती करी या वाकई में आपने लॉस निकाला, तो वो आप चेक कीजिए। और हम तब तक देखते हैं निकिता, निकिता सिंघल। तो निकिता ने करेक्ट आंसर दिया था और निकिता के बाद ख्याति ने। यश पूछ रहे हैं मैम स्टोरेज चार्जेस इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? यश स्टोरेज चार्जेस हम इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में? क्योंकि वो कंसाइनी की प्रमाइसिस पर पहुंचने के बाद इनकर होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग कुछ भी स्टोरेज का खर्चा है, गोडाउन का, वेयर हाउस का, ऐसा कोई भी खर्चा है या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फिनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय कंसिडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन लिखिए भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिखते हैं। राज ऑफ ग्वालियर वैसे इस क्वेश्चन ने बच्चों को तो बहुत तंग किया है, और ये पेपर से हर कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन घूमने लग जाता है। अब ये दिसंबर के पेपर आएंगे ना, तो आप देख लेना उससे एक महीने पहले ये क्वेश्चन सर्कुलेट होने लग जाएगा कि कोई इसका आंसर बता दो। तो मुझे देखना है कि आप लोगों को क्या वाकई में ये इतना मुश्किल लगता है या नहीं। तो राज ऑफ ग्वालियर कंसाइंड 15,000 केजीज ऑफ घी एट ₹30 पर केजी टू हिज एजेंट सिराज एट दिल्ली।
ही स्पेंट ₹5 पर केजी एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस. For sending ghee at Delhi. On the way, ₹100 kgs of ghee was lost due to leakage. ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉस अगर होगा तो क्वेश्चन हमें बताएगा, हम खुद से प्रिज्यूम नहीं करेंगे. अगर लॉस के साथ कुछ नहीं लिखा है तो वो एबनॉर्मल लॉस है. हमेशा नॉर्मल सिर्फ तभी होगा अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस. फिर कंटिन्यू करेंगे एंड 400 kgs ऑफ घी was destroyed in transit. इस क्वेश्चन की सबसे खतरनाक लाइन यही है. आगे का मैं क्वेश्चन लिखवाऊं इससे पहले जरा एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ लो, समझने की कोशिश करना ये लाइन कहना क्या चाहती है. कह रहे हैं ऑन द वे 100 kgs घी वॉज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज एंड 400 kgs वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट. ये लाइन कहना क्या चाहती है आखिर. बोथ लॉसेस हैं हमारे पास, नॉर्मल एबनॉर्मल. 400 वाला इज एबनॉर्मल. हाँ जी, यानी कि सबसे पहली बात तो देखो, बात हो रही है ट्रांजिट की ना. यहाँ पर इन ट्रांजिट लिखा है, यहाँ पर ऑन द वे लिखा है, मतलब तो सेम ही है ना. ऑन द वे या इन ट्रांजिट एक ही बात है. यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, टोटल हमारा 500 kgs का नुकसान हो गया है, जिसमें से 100 kgs तो हमारा हमेशा ही होता है. ये तो हमेशा ही होता है, इसलिए ये तो क्या है, हमारा नॉर्मल लॉस. लेकिन इस बार ये जो हमारे 400 किलो का नुकसान और हुआ है, तो भाई नॉर्मल अगर 100 है तो ये 400 केजीज का जो नुकसान है ये बन जाता है एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, तो बस इतना ही है कि भाई नुकसान तो सारा ही ट्रांजिट में हुआ है 500 किलो का. क्योंकि पहली कन्फ्यूजन यहाँ आती है कि यहाँ पर कह रहे हैं ऑन द वे, यहाँ पर कह रहे हैं इन ट्रांजिट, क्या ये अलग अलग है? नहीं, रास्ते का ही नुकसान है, 500 किलो का नुकसान है. फ़र्क सिर्फ इतना है 100 किलो हमेशा होता है तो हमने कहा वो नॉर्मल है, और जो एडिशनल 400 किलो इस बार हुआ है वो है एबनॉर्मल लॉस. यानी कि क्वेश्चन के अंदर दोनों लॉसेस हैं, नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी. फिर आगे लिखते हैं ₹9,000 was received as insurance claim. तो इंश्योरेंस क्लेम आप समझ गए ना कौन से लॉस का होगा. नॉर्मल लॉस की तो इंश्योरेंस होती नहीं, तो एबनॉर्मल लॉस का ये हमें मिला है इंश्योरेंस क्लेम. तो करेक्ट, सभी समझ गए थे. देन सिराज sold ₹7,500 kgs at ₹60 per kg.
ही ऑल्सो स्पेंट रुपीज 33,000 ऑन एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस. He is entitled to 5% commission on sales. He is entitled to 5% commission on sales. Prepare consignment account. क्वेश्चन में वैसे दो लाइन और भी लिखी हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी लिखी होती हम तो भी बनाते ही. तो क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. The amount of abnormal loss and value of stock at the end. तो ये लास्ट लाइन अगर नहीं भी होती तो भी हम वर्किंग नोट में दोनों कैलकुलेशन दिखाते ही, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री की भी और एबनॉर्मल लॉस की भी. बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब क्वेश्चन कह देता है तो थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं कि वर्किंग नोट हमारा और भी क्लियरली बने, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली दोनों की कैलकुलेशन पूछी हुई है. ठीक है, तो चलिए आप पहले स्टार्ट कीजिए. मुझे उम्मीद है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, तो वहाँ तक तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो. तो आप स्टार्ट कीजिए. मैम इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट एक साथ दिया हुआ है तो क्या हम कंसीडर करेंगे? हाँ जी, क्योंकि फ्रेट और इंश्योरेंस है, यानी कि ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, रास्ते का इंश्योरेंस है. तो जब हम नॉर्मल लॉस में न्यू कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हम फ्रेट 5 रुपये पर केजी इसको कंसीडर करेंगे.
मैम GSOC में 5,25,000 नहीं आना चाहिए क्या? कैसे निकाला है आपने 5,25? क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो सीधा सीधा हमने अमाउंट लिखा है, 15,000 केजीज सामान भिजवाया गया एट अ रेट ऑफ 30 पर केजी, तो GSOC हमारा 15,000 इंटू में 30। अच्छा, आप कह रहे हो नए कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे? नहीं, जब हमें सामान हमने भेजा है वो हमारा उसी कॉस्ट प्राइस पर रहेगा। कंसाइनमेंट पर जो सामान भेजा जा रहा है उसकी कॉस्ट में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, सेम कॉस्ट प्राइस पर रहेगा। हम तो सिर्फ जब इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे उस समय हम इस नए कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करेंगे, और जब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे उस समय हम न्यू कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करेंगे। बाकी मेरी बुक्स मुझे क्लियरली बताएंगी कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है और उस पर मेरे बाकी सारे खर्चे कितने हुए हैं। तो जो हमारा GSOC है वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर रहेगा, नए कॉस्ट प्राइस पर नहीं। सेम थिंग विद एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, उसको जब आप वैल्यू करोगे तो कौन से कॉस्ट प्राइस पर? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर। न्यू कॉस्ट प्राइस पर सिर्फ इन्वेंट्री आएगी और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर चलेगा। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, लीजिए भाई जिसको क्वेश्चन देखना है अभी देख लीजिए, जिस जिसको भी क्वेश्चन में कुछ देखना है। तो श्रेया ने आंसर निकाला है, श्रेया करेक्ट है। और श्रेया आपसे पहले आई थिंक दिवेश ने आंसर निकाला था, वो भी करेक्ट था। बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। अच्छा, दिवेश ने तो जो आंसर निकाला है वो तो सही नहीं है। अभी आंसर सही नहीं आया है क्योंकि कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री में थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पर रखना है। तो कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री की मैं आपको वैल्यू बताती हूँ। देखो 2,4,6,6,9,0,
ये हमारी करेक्ट कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री है, एक बार दोबारा कोशिश करो निकालने की, नहीं तो फिर मिलके निकालेंगे। मैम, और किसी चीज़ को हम न्यू कॉस्ट प्राइस पर क्यों नहीं ले रहे? एबनॉर्मल लॉस हम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर क्यों ले रहे हैं? देखो, नॉर्मल लॉस के साथ क्या होता है ये तो मुझे पता है कि ये लॉस होगा, ठीक है। अब जैसे हम फ्रूट्स की बात करें तो हमें पता है कि फ्रूट जब ट्रांसपोर्ट होंगे तो ये लॉस होगा ही होगा, लेकिन वो लॉस जब बुक्स में आता है तो जब फर्स्ट टाइम रिमेनिंग यूनिट्स बची होती हैं यानी कि स्टॉक, उस समय हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो जब मैंने गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजे हैं तब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद अब अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया, देखो जो यूनिट मेरी खो गई हैं, लॉस वाली यूनिट्स हैं, उनसे क्या मैं कॉस्ट रिकवर कर सकती हूँ नॉर्मल लॉस की? पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं नया कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रही हूँ? ताकि जब मैं ये सामान अगली बार कस्टमर को बेचूं तो उनसे मैं अपनी कॉस्ट रिकवर कर लूं। एबनॉर्मल लॉस ना तो मैं बेच सकती हूँ, जो ऑलरेडी लॉस है उससे मैं कौन सा लॉस रिकवर करूँगी? इसलिए एबनॉर्मल लॉस को नए कॉस्ट प्राइस पर लाने का कोई मतलब नहीं बनता। एबनॉर्मल लॉस को तो उसी प्राइस पर वैल्यू करो जो उसका था। नए कॉस्ट प्राइस के पीछे लॉजिक क्या है? जब कस्टमर को सामान सेल करेंगे तो उससे रिकवर करेंगे इतना पैसा। इसलिए हमने कहा जब आप कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री निकालोगे, बचा हुआ सामान जो कि आप अगले साल बेचोगे, तो जब आप बचे हुए सामान को वैल्यू करो तो फिर नए कॉस्ट प्राइस पे करना, क्योंकि इसकी कॉस्ट फिर हम रिकवर करेंगे हम नेक्स्ट ईयर जब हम इसको सेल करेंगे। तो यानी कि नॉर्मल लॉस मुझे पता है कि वो होगा, लेकिन सामान बेचते हुए हम उसको कंसिडर नहीं करते। लास्ट में जब जितना स्टॉक बचेगा मेरा उस पर हम उसको चार्ज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट ईयर उससे रिकवर करेंगे, सिर्फ इसलिए कि नॉर्मल लॉस मुझे पता होता है मेरा होना है, फिर भी एज अ बिजनेसमैन मैं बहुत एफर्ट्स करूँगी कि मेरा नॉर्मल लॉस जितना कम हो जाए उतना हो सके। ये तो मैं हमेशा करूँगी ना, अगर मुझे नॉर्मल लॉस पता है होना है तो भी मैं कोशिश करूँगी कि चलो अगली ट्रांसपोर्टेशन पे ये थोड़ा सा और कम हो जाए। तो इसलिए अब एक बार इसको होने दो कितना लॉस होता है, इस बार का जो कंसाइनमेंट स्टॉक बचेगा उस पर डालेंगे और फिर जब उस स्टॉक को बेचेंगे तो उससे हम वो लॉस को रिकवर करेंगे। लेकिन जहाँ तक एबनॉर्मल लॉस की बात है, उस लॉस से हम क्या रिकवर करेंगे, इसलिए उसको हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, एबनॉर्मल लॉस तो हमने वैल्यू कर लिया, अब देखते हैं आपकी कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री की तरफ चलते हैं। तो हम समझ गए हैं क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो हमें निकालना होगा न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस के लिए क्या क्या करना है? टोटल कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर, पहले तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी है, हमारा सामान चला 15,000 केजीज
और 30 रुपीज़ पर केजी, एक तो हमारी ये कॉस्ट है। फिर इसमें ऐड कर देते हैं हम फ्रेट और इंश्योरेंस। कंसाइनर का खर्चा ₹15,000 kgs एट अ रेट ऑफ 5 per kg। ₹75,000। अब देखो मैं फेंक रही हूँ एक बाउंसर तुम लोगों पर, मैं यहाँ से कर रही हूँ लेस एबनॉर्मल लॉस। यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है 450 + 75, यहाँ से मैं माइनस कर रही हूँ लेस एबनॉर्मल लॉस जो कि है 14,000, और मैंने कहा मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट आ जाती है 5,11,000। ये मैम आपने क्या करा? तो मैंने कहा ये मैंने फेंका तुम्हारे ऊपर बाउंसर, सोचो कि ये मैंने क्या करा। अब आगे कंप्लीट कर दूं पहले 5-11 की, तो ये हमारी आ जाती है रेलेवेंट कॉस्ट। अब हम देखें हमारी यूनिट्स। यूनिट्स की अब अगर हम बात करें तो 15,000 kgs टोटल माइनस 100, ये तो हमें करना ही है। नॉर्मल लॉस तो मुझे माइनस करना ही है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों हैं, तो यहाँ पर मैं 400 kgs एबनॉर्मल लॉस भी माइनस कर रही हूँ और रिमेनिंग यूनिट्स ले रही हूँ 14,500। यानी कि अब जो मैंने निकाला है नया कॉस्ट प्राइस, अब ये जो नया कॉस्ट प्राइस है ये कुछ इस तरीके से निकल गया 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,500। ये हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस है। इन्वेंट्री की बात करें तो स्टॉक में हमारे जितने केजीज बचे हुए हैं, तो भाई 14,500 हमारे पास बचे हैं, 7,500 कंसाइनी ने बेच दिए हैं, तो 7,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस प्राइस पर। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि मैंने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस माइनस क्यों किया, फॉर्मूले में तो हमने नहीं लिखा था, क्योंकि फॉर्मूला जब हमने लिखा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को कंसिडर नहीं करा था कि क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों लॉस होते हैं। हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला भाई, ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है भाई? नॉर्मल लॉस के केस में आपको क्या करना है? नॉर्मल लॉस के केस में ऐसा करना है, लेकिन अब अगर नॉर्मल लॉस के साथ एबनॉर्मल भी हो जाए, तो ये तो आप जानते हो आंधी आएगी तूफान आएगी तो फॉर्मूला तो हमारा बदल जाएगा। ये तो हम सीख रहे हैं फर्स्ट क्लास से, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, फॉर्मूला हमारा बदलेगा। और अब क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी आया, तो भाई मैंने फॉर्मूले को बदल दिया और मैंने क्या कर दिया, मैंने एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया। अब आपको सोचना ये है कि मैंने ये क्यों किया है माइनस, और मैं आपको बता रही हूँ आप ये सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन हमें करनी है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS2 हम पढ़ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो हमने किया है ये क्यों किया है। अब आप ध्यान दो और देखो क्या ये बात समझ में आ रही है।
देखें किस किस को बात समझ में आ रही है ये कि हमने यहां से लॉस माइनस क्यों कर दिया। ये तो मैम बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो मुस्कान, दिया और एक दो स्टूडेंट्स के नाम निकल गए। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं। और AS2 ने हमें क्या सिखाया था, जब भी आप कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो तो एबनॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं करते। ठीक है, याद करो वो दिन जब हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा था। मैम जाने कहाँ गए वो दिन, याद करो याद करो। हमने इन्वेंट्री पढ़ा था, फिर हमने उसमें सीखा था कि उसके अंदर चार चीज़ें नहीं आती, उसमें एबनॉर्मल चीज़ें नहीं आती, उसमें फिनेंशियल खर्चे नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे नहीं आते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं आते। उसी समय सीखा था स्टोरेज कॉस्ट भी उसके अंदर नहीं आती है। तो क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हम कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री में नहीं दिखाते हैं, आज तक हम दिखा रहे थे क्या कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में? नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि हम इन्वेंट्री को अलग से वैल्यू कर रहे थे, तो हमने तो एबनॉर्मल यूनिट्स को कंसिडर किया ही नहीं था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्योंकि मैंने टोटल कॉस्ट ली ना, मैंने कहा भाई टोटल कॉस्ट 450, टोटल एक्सपेंसेस 75,000। अब जैसे ही मैंने टोटल से कैलकुलेशन करना शुरू किया तो AS2 दौड़ता दौड़ता आया। क्या कहा AS2 ने, बड़ी अच्छी बात है आपने टोटल कॉस्ट ले लिया, बड़ी अच्छी बात है कंसाइनर का खर्चा ले लिया, लेकिन क्योंकि आपने टोटल लिया है तो एबनॉर्मल लॉस भी इसी में जुड़ा हुआ है, और आप उस एबनॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के समय नहीं ले सकते, तो उसको यहाँ से हटाओ। तो हमने एबनॉर्मल लॉस हटा दिया तो हमारी कॉस्ट आई 511। ऐसे ही मुझे यूनिट्स में से भी हटाना है, 15,000 की यूनिट में से नॉर्मल लॉस तो हटाएंगे ही, एबनॉर्मल भी हटाएंगे, माइनस करेंगे 400 kgs, तो फिर हमारी जो यूनिट आती है 14,500, वहाँ से हम निकालेंगे नया प्राइस। तो नया प्राइस कितना आ रहा है? आप कुछ कह रहे थे डेसिमल की वजह से गड़बड़ आ रही है, 35.24। दो प्लेसेस डेसिमल ले लेते हैं, बहुत है, सफिशिएंट है। तो ये आ जाएगा 2466.80। तो मैंने आपको बताया था 2466.90, तो वो हमारा डेसिमल की वजह से ही गैप है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी कुछ बच्चे लिख भी रहे थे कि 10 रुपये का गैप आ रहा है। तो 2466.80 ये हमारी इन्वेंट्री है, अब इसको डाल देंगे अकाउंट में और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए आराम से क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एबनॉर्मल लॉस वाला पार्ट फिर से देखना है। देखिए एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे वैल्यू करते हैं, जो हमारी कॉस्ट है प्लस जितना भी उस पर खर्चा इनकर हुआ है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेट ही इनकर हुआ है, तो हमारी कॉस्ट 30 रुपीज़ पर kg, साथ में हमने ऐड कर दिया फ्रेट। इंश्योरेंस क्लेम हमें 9,000 मिल गया था, तो हमारा नेट लॉस आ गया 5,000। तो इसको फिर हम पोस्ट कर देते हैं इन्वेंट्री को। टू फोर सिक्स सिक्स एट जीरो और ये हमारा प्रॉफिट।
देखिए चेक कर लीजिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, 130180। हाँ जी 130180 का प्रॉफिट। देखिए आराम से एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है मैम, नो डाउट। इन्वेंट्री में से हम एबनॉर्मल लॉस इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सेज एबनॉर्मल लॉसेस आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बन सकते। तो जब हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया था, स्पेशली जूम लेक्चर्स में जब हमने किया था, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है कि भाई इन्वेंट्री वैल्यू को वैल्यू करते समय हम एबनॉर्मल अमाउंट्स को कंसिडर नहीं करते। तो कंसिडर नहीं करते इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब अगर आपकी टोटल कॉस्ट में आ रहा है वो अमाउंट, तो उसको वहाँ से आप माइनस कर दो। तो क्योंकि हम कंसिडर नहीं करते, इसने हमने उसको वहाँ से माइनस कर दिया। तो नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट मैम, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा अकाउंट में, आएगा। ये रहा नॉ एबनॉर्मल लॉस आपके सामने है, 14,000 का एबनॉर्मल लॉस है। ये रहा, हमेशा मैं आपको दोनों तरीके से लिख के दिखा रही थी, आज मैंने एक ही तरीके से लिखा है। चाहो तो लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस 14,000, चाहो तो ऐसे लिख दो बाय बैंक 9,000, बाय P&L 5,000। क्लियर है मैम? नो डाउट। तो चलिए फिर ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई MKGians को इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब पेपर के आसपास जब आपके और दोस्त पूछेंगे जो MKGian नहीं है, उस समय आपके नंबर बनाने वाला ये क्वेश्चन है। बड़ा चढ़ा के बताना कि अरे अरे ये वाला क्वेश्चन तो हम बताते हैं, कैसे होगा। और वैसे भी जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें समझ में आता है हमें कितना एक्चुअली में समझ में आया था। तो उस समय हमारी भी प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ तो हर्ष, जो आप पूछ रहे हो वो यही वाला केस है। जैसे आप पूछ रहे हो कि अगर नॉर्मल लॉस हमारा ज़्यादा हो जाए देन एक्सपेक्टेड। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 500 kg का लॉस हुआ और बिजनेसमैन ने कहा कि भाई नॉर्मल तो 100 kg है, तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस अगर नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो जितना ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। रजिस्टर में लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के ऊपर ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार का क्या मतलब है? ट्रिपल स्टार का मतलब है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। तो चलिए लिखिएगा, ए ऑफ बैंगलोर कंसाइंड कंसाइंड टू आर ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस।
विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट. Ours commission is 10% on sales at invoice price and 25% on excess realized over invoice price. Then A's expenses. Freight and insurance 12,000 rupees. Then next line, R has effected sales. मतलब सिंपली आर हैज मेड सेल्स अमाउंटिंग टू 1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट. R also incurred 9,600 rupees. Then next line, 10% of consignment goods of the value of 15,000 rupees were destroyed in fire at Pune Godown. Insurance company paid ₹12,000. R remitted the balance amount to A. Prepare consignment account and consignee account. हाँ जी, तो आराम से ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ें.
और फॉर्मेट बना लें, क्योंकि फॉर्मेट तो आपसे बन जाएगा आराम से। फॉर्मेट ही बना लो फिर, कंसाइनमेंट अकाउंट का, कंसाइनी अकाउंट का। उस फॉर्मेट में जो जो अमाउंट पोस्ट कर सको पोस्ट करो, कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। तो पहले कुछ समय आपके पास है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन। तो फॉर्मेट आप अच्छे से बना सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। पर्टिकुलर्स कॉलम आप भर सकते हो, अमाउंट वाले कॉलम में जितना भर सको उतना भर लेना। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, उसको ध्यान से समझना, ध्यान रखना। ये जो एक लाइन आ रही है ना, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 15,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 15,000। तो अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर इनवॉइस प्राइस है, तो इस 15,000 की वैल्यू का मतलब है क्वेश्चन आपको दे रहा है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट इन फायर। जो सामान फायर के अंदर जल गया है, क्वेश्चन ने आपको दिया है उसका इनवॉइस प्राइस। और ये हमें अच्छे से पता है, हम सीख चुके हैं इस इनवॉइस प्राइस का गुड्स लॉस्ट इन फायर में कोई यूज़ नहीं है। जहाँ पर भी लॉस होगा, लॉस किस प्राइस पर कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। लेकिन दोस्त आपका शैतान है, उसने आपको दिया है इनवॉइस प्राइस। अब देखो इसको यूज़ करके आप कहाँ तक कितनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। फोर मैजिकल सेंटेंसेस आपके पास हैं, उनका यूज़ करना। जहाँ फंस जाओ फोर मैजिकल सेंटेंसेस का यूज़ करना, और देखो फिर आंसर आ रहा है कि नहीं।
फिर एक और चीज़ चेक कर लीजिए, 125% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ये टर्म हम पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी देख चुके हैं. 125% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब होता है मार्जिन ऑन कॉस्ट इज 25%. तो जब भी ऐसा लिखा हो 125% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है मार्जिन ऑन कॉस्ट इज 25%. फिर उसके बाद एक डाउट पूछ रहे हो आप कि ये जो अमाउंट दिया हुआ है 120, ये मैम सेल प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है? तो हमेशा ध्यान रखो, सेल गिवन है, इसका मतलब ऑलवेज सेल प्राइस. जब आपको सेल्स बताई जा रही हैं तो वो हमेशा ही किस प्राइस पर बताई जाएंगी? सेल प्राइस पर. सेल का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? सेलिंग प्राइस के साथ. उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है. सेल का मतलब है सेलिंग प्राइस. रितेश, आप ऐसे अमाउंट मत पूछो, आप सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगी, तब आप चेक कर लेना आपके अमाउंट्स करेक्ट हैं या नहीं. मैम, ये जो 10% कमीशन है ये किस प्राइस पर है? यही तो सोचना है आपको. दोस्त तो आपका शैतान है ना, यही तो आपको सोचना है कि ये दोस्त कहना क्या चाहता है भाई. 10% कमीशन किस चीज़ पर है? समझो, समझने की कोशिश करो, शब्दों को देखो और समझो कि क्या कहना चाहते हैं. अगला डाउट आ रहा है कि मैम, इस क्वेश्चन में यूनिट्स कैसे निकालें? इस क्वेश्चन में यूनिट्स आप नहीं निकाल सकते. आपको कैसे निकालना होगा? परसेंटेज के हिसाब से. टोटल सामान 100% है, कितना परसेंट बिक गया, कितना परसेंट नुकसान हो गया, बैलेंस आपकी इन्वेंट्री है. तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से समझना पड़ेगा. क्वेश्चन ने यूनिट्स में इंफॉर्मेशन नहीं दी, परसेंटेज में दी है, तो आपको भी कैसे करना होगा परसेंटेज वाइज. तो टोटल सामान 100%, 75% बिक गया, 10% हमारा नुकसान हो गया, बचा हुआ जो सामान है वो हमारी इन्वेंट्री है. तो रितेश, आपने पूछा था कॉस्ट प्राइस, तो जो अमाउंट आपने निकाला है वो करेक्ट है. कावेरी, आपने पूछा है कमीशन. हाँ जी कावेरी, आपने करेक्ट निकाला है, यही अमाउंट है कमीशन का.
तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से, और क्योंकि इनवॉइस प्राइस है क्वेश्चन के अंदर तो इमीजिएटली बाय जीएसओसी लिखेंगे लोडिंग, वरना ऐसा ना हो कि बाद में हम भूल जाएं। ठीक है, तो जीएसओसी का अमाउंट देखते हैं। जीएसओसी का अमाउंट हम कहाँ से निकालेंगे, हम इस लाइन की मदद लेंगे, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 वर डिस्ट्रॉयड। तो सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन है जीएसओसी की, इनवॉइस प्राइस ऑफ 10% ऑफ गुड्स। अगर 10% गुड्स का इनवॉइस प्राइस 15,000 है, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स इज 1,50,000, और ये जो इनवॉइस प्राइस टोटल गुड्स का है यही हमारा हो जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ गया है 1,50,000, फिर देखते हैं लोडिंग। मार्जिन ऑन कॉस्ट हमें गिवन है 25%, यानी कि 1/4। इसका मतलब मार्जिन ऑन इनवॉइस, कॉस्ट का 1/4 है तो इनवॉइस का हो गया 1/5। तो अकॉर्डिंगली लोडिंग, लोडिंग ऑन जीएसओसी हमारी आ जाएगी 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो लोडिंग आ जाती है 30,000। और इसका मतलब है अगर हम बात करें गुड्स की कॉस्ट की, तो 1,50,000 माइनस 30,000 120। तो इनवॉइस प्राइस निकाल लिया है हमने, लोडिंग निकाल ली है, अब इसको अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इनवॉइस प्राइस, जीएसओसी लोडिंग 30,000। फिर कंसाइनर के एक्सपेंस पोस्ट कर दिए टू बैंक अकाउंट 12,000। फिर करते हैं कंसाइनी, ₹9,600 एक्सपेंसेस, कमीशन कैलकुलेट करनी होगी। और साथ ही साथ सेल्स लिख देते हैं,
तो कमीशन कैलकुलेट करते हैं, कमीशन के लिए गिवन है 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। इसका सीधा सीधा मतलब है 10% कमीशन देंगे हम इनवॉइस प्राइस पर। तो कमीशन, पहली कमीशन है 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस टोटल गुड्स का 150,000 है, कमीशन कितने पर मिलेगी? जितना सामान आपने बेचा, आपने बेचा है 75%। तो पहली कमीशन ये हो गई है, 10% मिल रही है इनवॉइस प्राइस पर। तो 150 टोटल इनवॉइस प्राइस, आपने सामान बेचा है 75%, तो उतने इनवॉइस प्राइस का 10%। सेकंड कमीशन 25% ऑफ, 25% ऑफ एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस। ये तो ओवरराइडिंग कमीशन है, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेल एंड इनवॉइस। सेल हमारा है 120, माइनस करेंगे इनवॉइस, कौन सा इनवॉइस, यही सेम 150 का 75%, 112500। तो ये हमारी दोनों कमीशन आ गई। देखिए आराम से यहाँ तक देखिए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कमीशन निकाली है 10%, उसके लिए क्या लिखा है, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। सेल्स एट इनवॉइस प्राइस का मतलब है जो सामान बिका है उसका इनवॉइस प्राइस जितना है उस पर हम देंगे 10% कमीशन। तो 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस, कितने सामान का जितना बिका है, टोटल इनवॉइस प्राइस 150 है, इनटू में 75%। तो ये हमारी फर्स्ट कमीशन, उसके बाद देखो सेकंड कमीशन, 25% ऑफ एक्सेस ओवर इनवॉइस। तो एक्सेस ओवर इनवॉइस, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरराइडिंग कमीशन, यानी कि सेल और इनवॉइस का डिफरेंस। तो सेल प्राइस 120 है, इनवॉइस हमने अभी निकाला है 112500, दोनों के डिफरेंस का 25%, 1875। उसके बाद देखेंगे हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू देखते हैं, वैल्यू करेंगे एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस पर। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले चेक करते हैं, कॉस्ट प्राइस देखो टोटल गुड्स का है 120, टोटल गुड्स की कॉस्ट 120 है। हमें क्वेश्चन में गुड्स लॉस्ट का इनवॉइस प्राइस गिवन है, उसको हमने यूज़ करा टोटल इनवॉइस निकालने के लिए, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल लॉस में उसका कोई यूज़ नहीं है, हमें तो चाहिए कॉस्ट। टोटल गुड्स का कॉस्ट 1,20,000 है, इसमें से 10%
ये गुड्स हमारे आग में जल गए तो इनकी कॉस्ट है 12,000। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर का पूरा खर्चा ऐड करेंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 15,000। फ्रेट एंड इंश्योरेंस अमाउंट है हमारे पास 12,000। ये है हमारे टोटल गुड्स के ऊपर, हमें चाहिए 10% गुड्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम यूनिट्स में कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, परसेंटेज गिवन है तो उसी को यूज़ करेंगे। तो 10% गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड हैं तो हम 10% से काम करेंगे अपना। तो 10% की कॉस्ट 12,000, 10% पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस 1,200। क्या कंसाइनी का खर्चा हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट करेंगे? नहीं करेंगे। रीज़न वो है सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस हमारा किससे रिलेट करता है? उन यूनिट्स पर जो यूनिट सेल हो चुकी हैं, तो उसे यहाँ हम प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस ये आ जाता है 13,200 रुपये। 13,200 रुपये का हमें हो गया है एबनॉर्मल लॉस। जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिए हैं 12,000 रुपये, तो ये हमारा नेट लॉस 1,200 रुपये। देखिए आराम से अब नॉर्मल लॉस देखिए, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। अगर मैम कंसाइनी का खर्चा यहाँ पर लिखा होता गोडाउन रेंट, अगर ये कंसाइनी ने गोडाउन रेंट दिया होता तो क्या हम यहाँ पर ऐड करते? डेफिनेटली यस, है ना? आपका भी आंसर आ गया, यस यस। कनिका का आंसर गलत आया है। तो अगर ये गोडाउन रेंट होता और यूनिट्स का नुकसान भी गोडाउन में हो रहा है, तो अगर ये गोडाउन रेंट होता तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते। तो अगर कंसाइनी ने गोडाउन रेंट इनकर किया होता तो इस लॉस को निकालते समय हम उसको ऐड करते, बट अभी तो उसने सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो कनिका आपने नो बोला, ऐसा क्यों? अगर आप इस बात से कंफ्यूज हो गए हैं कि प्रिमाइसिस पर पहुंचने से पहले वाले लेने हैं, तो ध्यान रखिए वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री के लिए है। यहाँ पर हम एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ गोडाउन रेंट इनकर हुआ होता तो हम इन यूनिट्स पर जो यूनिट्स लॉस्ट हो गई हैं उस पर हम ऐड कर देते। तो बाय एबनॉर्मल लॉस 13,200। ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। बाय बैंक 12,000, बाय P&L 1,200। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता हुआ और हम आगे लास्ट कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री पर। और क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस है तो जैसे ही कंसाइनमेंट इन्वेंट्री लिखोगे भूलना मत, टू इन्वेंट्री रिजर्व।
तो चलिए अमाउंट निकालिए आप लोग, मैं आपको आंसर बताती हूँ। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अमाउंट आएगा 24,300 और इन्वेंट्री पर रिजर्व आएगा 4,500। चेक कीजिए, देखिए क्या आप निकाल पा रहे हैं या नहीं। और क्योंकि इसके बाद तो और कुछ पोस्ट करना नहीं है हमें, तो नेट आप देखेंगे यहाँ पर लॉस आ रहा है 1725। आराम से निकालिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। पहले आप लीजिए 1-2 मिनट, निकालिए इन्वेंट्री की वैल्यू, क्योंकि खुद निकालोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि कैसे आएगी ये वैल्यू। और जिन बच्चों ने अमाउंट निकाल लिया है इन्वेंट्री का भी और इन्वेंट्री रिजर्व का भी, वो दिल खोल के स्माइल कीजिए कि भाई अच्छे से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुशी तो बनती है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो सिर्फ मुस्कुराइए और कुछ मत कीजिए। हाँ जी, देख लीजिएगा प्लीज़ कैलकुलेशन इन्वेंट्री की और इन्वेंट्री रिजर्व की, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा जो है फिनिश हो जाता है। आराम से 2 मिनट लगाइए, क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, माइंड में बिठाइए, आराम से देखिए क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या किया है।
कमीशन में 112500 कैसे आया था? क्योंकि हमारे 75% गुड्स सेल हुए हैं, तो हमने किया था, टोटल गुड्स का इनवॉइस है 150,000, तो जो हमने सेल किया है 75%, इसका इनवॉइस कितना होगा? तो 150 का 75% ये हमने निकाला था 112500। तो अब आपको समझ में आ रहा है, जिस क्वेश्चन पे स्टार लगा होता है, तीन तीन स्टार, उसका क्या मतलब होता है ना? उसका मतलब होता है इस क्वेश्चन के अंदर आपको तारे दिखाने की क्षमता है, इसलिए अपने दोस्त की शैतानी से ज़रा अलर्ट रहें और सावधान रहकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। कावेरी, कौन सा एक्सपेंस पूछ रहे हो आप? ए का खर्चा? देखो, ए का टोटल खर्चा 12,000 है और इन्वेंट्री हमारी 15% बची हुई है, तो हमने टोटल खर्चे का 15% ले लिया। इसी को बोलते हैं ना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर, कि टोटल नहीं लेना तो कितना ले, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 15%, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री 15% बैलेंस है, 75% हम सेल कर चुके हैं और 10% हमारे गुड्स लॉस्ट हो चुके हैं। देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट जिन स्टूडेंट्स को देखना था अब देख लीजिए। और कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया हो तो भाई जल्दी से फिर छोटा सा प्यारा सा कंसाइनी का अकाउंट भी बना लीजिए, देख लीजिए बैलेंस कितना आ रहा है। हाँ जी, 97275 करेक्ट। कंसाइनी का अकाउंट चेक कर लीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा अकाउंट है, बैलेंस इसमें आपका आ रहा है 97275, और बैलेंस के साथ इस बार हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है कि कंसाइनी ने पैसा कंसाइनर के पास भिजवा दिया है, रेमिट कर दिया है अमाउंट, तो इसलिए बाय बैंक 97275। एग्जाम्पल नंबर 3, माया कंसाइंट ₹400। ऑफ ब्रशेस Each box containing 100 brushes,
कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स इज 3,000 रुपीज, शी स्पेंट रुपीज 500 पर बॉक्स एज कार्टेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। तीनों खर्चे मिलाकर के आपको बता दिए, सब खर्चे मिलाकर बोल रहे हैं 500 रुपीज पर बॉक्स खर्चा आ रहा है कंसाइनर का। वन बॉक्स वॉज लॉस्ट ऑन द वे। एंड माया कुड गेट रुपीज 2,700 एज इंश्योरेंस क्लेम। तो भाई एक बॉक्स जो है इट इज लॉस्ट ऑन द वे, यानी कि लॉस्ट इन ट्रांजिट है। एक बॉक्स खो गया हमारा, हर बॉक्स के अंदर 100 ब्रशेस हैं, तो एक हमारा पूरा का पूरा बॉक्स खो गया। इंश्योरेंस क्लेम उसके बदले में हमें मिल गया 2,700। फिर कंटिन्यू करेंगे, कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस। कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस एंड स्पेंट रुपीज 1,99,500 एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एंड रुपीज 1,12,500, 112,500 एज रेकरिंग एक्सपेंस। ही सोल्ड 370 boxes at a rate of 65 rupees per shaving brush. He sold 370 boxes at a rate of ₹65 per brush. He was entitled to 2% कमीशन ऑन सेल्स एंड 1% डेल क्रेडिट कमीशन। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट।
सीधा साधा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं नहीं करा रही हूँ। पूरे एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन के साथ कीजिए रजिस्टर में।
कावेरी ने आंसर दिया है, लेकिन कावेरी नेट प्रॉफिट गलत है, तो प्लीज़ आप दोबारा चेक करो। आंसर के पास ही हो आप, लेकिन करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचे हो अभी। उसके बाद आंसर दिया है यतिन ने। यतिन आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर के पास हो लेकिन करेक्ट नहीं है। फिर आंसर दिया है निकिता, निकिता अग्रवाल और निकिता सिंगल दोनों ने आंसर दिया है, बट आंसर करेक्ट नहीं है। रितेश, रितेश आंसर करेक्ट नहीं है। रिद्धि, रिद्धि आंसर करेक्ट नहीं है। रीचेक कीजिए, आराम से कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। फिर आंसर आया है श्रेया का, श्रेया आंसर सही है। फिर उसके बाद आंसर आया है महक केडिया, महक आंसर आपका सही है। हर्षा आपको क्वेश्चन देखना है, देखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे रहे हैं, तो देखो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। नेट प्रॉफिट जो इस कंसाइनमेंट पर हुआ है, दैट इज़ 740350। तो देखिए जिनका आंसर आ गया है बहुत बढ़िया, स्माइल कीजिए। जिनका नहीं आया है वो चेक कीजिए 740350। तो सबसे पहले श्रेया का आंसर आया था, सिली मिस्टेक हो गई, बैंक कंसाइनर्स एक्सपेंस करेक्टली नहीं लिखा। फिर महक का आंसर आया था, महक इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है आपकी, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको इस हैंडराइटिंग का फ़ायदा मिलेगा आपके पेपर के अंदर। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इस हैंडराइटिंग को आप मेंटेन करके रखना CA फाइनल तक, CA फाइनल तक। और फिर से सिली मिस्टेक हुई, इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकाला करेक्ट, वर्किंग नोट में एक एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट करना रह गया।
और उसके बाद आंसर दिया था रिद्धि ने। रिद्धि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए देखें फिर हम ये क्वेश्चन हमारा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12 लाख, कैश अकाउंट कंसाइनर का खर्चा 2 लाख, इजी चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर देखें हम कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी के अकाउंट में अब क्या क्या जाएगा, रेकरिंग एक्सपेंस, फिर जाएगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, फिर जाएगी ऑर्डिनरी कमीशन, और उसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन। रेकरिंग एक्सपेंस 112500, देन नॉन रेकरिंग ऑर्डिनरी कमीशन 48100 अमाउंट आ रहा है, सेल्स देखनी पड़ेंगी कमीशन के लिए। कंसाइनी ने सेल किए हैं 370 बॉक्सेस एट अ रेट ऑफ 65 पर ब्रश, तो 65 एक ब्रश का सेल प्राइस है, हमें बॉक्सेस में चाहिए और एक बॉक्सेस के अंदर हैं 100 ब्रशेस, तो ये हमारी सेल आ जाती है 370 इंटू 65 इंटू 100 2405000। और फिर हम निकालेंगे हमारी ऑर्डिनरी कमीशन, टू फोर जीरो फाइव ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाइड बाय 2%। और फिर निकालेंगे डेल क्रेडिट, उम्मीद है आपको याद होगा परसेंटेज गिवन है तो टोटल सेल्स पे लगानी है। खैर यहाँ पर तो कैश और क्रेडिट सेल नहीं है, बट अगर अलग अलग गिवन होता तो ध्यान रखना परसेंटेज डेल क्रेडिट की टोटल सेल्स पर लगानी है। तो 24,05,000 का 1%, और उसके बाद हम आ जाते हैं एबनॉर्मल लॉस पर, जो सामान हमारा खो गया है ट्रांजिट में। वैल्यूएशन बहुत ही आसान है, एबनॉर्मल लॉस इसका सबसे पहले देखें हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वन बॉक्स, एक बॉक्स रास्ते में खोया था और एक बॉक्स का कॉस्ट प्राइस है 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपये तो हमारी कॉस्ट हो गई, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कंसाइनर्स का खर्चा। ऐड करेंगे इसमें हम कंसाइनर्स एक्सपेंडिचर जो कितना है 500 रुपीज पर बॉक्स, तो सीधा सीधा हमने ऐड कर दिया 500 रुपीज वन बॉक्स इंटू में 500, तो 3,500 ये हो गई है वैल्यू ऑफ लॉस। हमें मिला है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है 2,700,
तो हमारा नेट लॉस आ जाता है 800। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमें कितनी वैल्यू दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले हमने लॉस को वैल्यू किया, लॉस आ गया हमारा 3500 का, इसमें से हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 2700 और नेट लॉस आ गया 800। अब सोचना ये है कंसाइनमेंट अकाउंट में वैल्यू कितनी दिखानी है। तो देखो, जर्नल एंट्री आपको बता रही हूँ एबनॉर्मल लॉस की, पेपर में हमें नहीं लिखनी है, सिर्फ आप भी देख रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लोग मुझे क्या बता सकते हो, नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस बाय फायर है तो जर्नल एंट्रीज क्या बनती हैं? मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। तो अगर लॉस बाय फायर है नॉर्मल बिजनेस में तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? यस, करेक्ट। तो सबसे पहले आपने कहा भाई एंट्री बनाते हैं हम लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग। बिल्कुल, फर्स्ट एंट्री हमारी यही बनती है। सेकंड एंट्री अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो क्या बनेगी? यस, सेकंड एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। जितना भी हमें क्लेम मिला है, जितना क्लेम नहीं मिला है लॉस हो गया है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनती है रेगुलर बिजनेस में। अब हम लेकर आते हैं कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट के अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज एबनॉर्मल लॉस के लिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस के लिए जर्नल एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर टू कंसाइनमेंट। इतना ही फर्क आएगा। नॉर्मल बिजनेस में हम ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट। लॉस बाय फायर हो या फिर लॉस्ट इन ट्रांजिट हो, जो भी नुकसान हुआ है आपका, लॉस बाय फायर या लॉस इन ट्रांजिट टू कंसाइनमेंट। अब अगर हमारे एग्जांपल में देखें तो ये एंट्री बन जाएगी 3500 से, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 2700, P&L अकाउंट डेबिट 800 टू लॉस इन ट्रांजिट। या फिर लॉस बाय फायर 3500। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्या डिफरेंस है? नॉर्मल बिजनेस में हम ट्रेडिंग के थ्रू करते हैं, कंसाइनमेंट में थ्रू कंसाइनमेंट। जहाँ तक नेट लॉस की बात है, वो अभी भी कहाँ से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये जो मैंने दो एंट्री बनाई हैं, अब इसी एंट्री को, जो आप लोगों का मन होता है कि इसको नेट कर दिया जाए, अगर इसी एंट्री को मैं नेट करूँ तो ये बन जाएगी बैंक 2700, P&L 800 टू कंसाइनमेंट। ठीक है, नेट करेंगे तो ये बन जाएगी। समझने वाली बात यह है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कितनी वैल्यू जा रही है लॉस की, ये समझ लो इस जर्नल एंट्री से।
ये जर्नल एंट्रीज देख लो और मुझे बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमें कितना लॉस दिखाना है, जो मेरी टोटल वैल्यू है या जो मेरा नेट लॉस है। यस करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है, उदिति और आर्यन का गलत है। सिर्फ हम दिखाएंगे 3500। कैसे दिखाएंगे? उदिति और आर्यन कैसे चेक करेंगे? ये देखो भाई, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना जा रहा है, जर्नल एंट्री आपके सामने है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना जा रहा है, 3500। एंट्री को अगर मैंने नेट कर दिया तो भी टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना जा रहा है, 3500। एग्जैक्टली सिमिलर टू माई ट्रेडिंग अकाउंट, एग्जैक्टली सिमिलर। ट्रेडिंग में लॉस बाय फायर कितना जाएगा? पूरा जाएगा। अब उसमें से क्या क्लेम मिला, क्या आपका नेट लॉस हुआ, वो पी एंड एल, वो हम पी एंड एल में दिखाएंगे। ट्रेडिंग के अंदर कितना लॉस जाएगा, जितना आपका हुआ है। सिमिलरली कंसाइनमेंट के अंदर कितना लॉस जाएगा, जितना आपका हुआ है जाएगा 3500। लिखोगे क्या? लिखने के लिए दो ऑप्शन आपके पास हैं, दो ऑप्शन। आप चाहे तो लिखो बाय बैंक बाय पी एंड एल, और चाहे तो आप लिखो बाय लॉस बाय फायर या फिर एबनॉर्मल लॉस। जर्नल एंट्री आपके सामने है ना, यहीं से मैं अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करूंगी। जर्नल एंट्री मैंने आपको दिखा दी, ये बनती है, आप देखो अकाउंट की पोस्टिंग। अब जब मुझे अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस, लॉस का नाम लिख सकते हो, लॉस इन ट्रांजिट, चाहे तो आप ऐसे लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस 3500, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाय बैंक 2700, बाय पी एंड एल 800। कैसे लिख सकते हो? जैसे लिखना चाहो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जर्नल एंट्री के बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है, कैसे मर्जी कर दो। चाहे लिख दो बाय एबनॉर्मल लॉस 3500, चाहे लिख दो बाय बैंक 2700, बाय पी एंड एल 800। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसाइनमेंट के अंदर टोटल लॉस जाएगा विच इज 3500। दोनों तरीके से कैसे भी आप दिखा सकते हो। अब क्योंकि दोनों तरीके हमारे सही हैं, हमारी जो ICAI की बुक है उसमें आप देखोगे कहीं इस तरीके से करा हुआ है, कहीं इस तरीके से। हमारे जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसमें इस तरीके से करा हुआ है। इंस्टीट्यूट के जो RTPs हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, उसमें इस तरीके से करा हुआ है। कहने का मतलब क्या, कैसे भी कर दो, दोनों तरीके सही हैं। चाहे तो फर्स्ट एंट्री के बेसिस पे पोस्ट करो। फर्स्ट एंट्री है लॉस बाय फायर टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में क्या किया, बाय लॉस बाय फायर। चाहो तो कंबाइन एंट्री के बेसिस पे पोस्ट कर दो। कंबाइन एंट्री क्या है, बैंक पी एंड एल टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में क्या किया, बाय बैंक बाय पी एंड एल, कैसे भी कर दो। तो यहां पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, बाय बैंक बाय पी एंड एल, बाय बैंक 2700, बाय पी एंड एल 800। ठीक है, क्लियर। पहले देखो एबनॉर्मल लॉस में कहीं कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, सबने ओके कर दिया है, क्लियर है। तो एक बार जरा अपने कंसाइनमेंट अकाउंट पर वापस आना, जहां कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था ना, वहां पे जरा चलेंगे वापस। यहां पर हमने लाइन छोड़ी थी ना, स्पेस छोड़ा था कंसाइनी अकाउंट और स्टॉक के बीच में,
यहाँ पर जो हमने गैप छोड़ा था ना, यहाँ पर अब लिखेंगे। बाय एबनॉर्मल लॉस या फिर बाय बैंक अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम एंड बाय P&L नेट लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अगर है कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, फुल वैल्यू दिखानी है कैसे भी दिखा सकते हो, दोनों ट्रीटमेंट इक्वली करेक्ट हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। चाहे तो बाय एबनॉर्मल लॉस दिखाइए, चाहे बैंक, चाहे P&L। बेस्ट क्या है, जहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है वहाँ पर बाय एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे, जहाँ क्लेम है वहाँ पर ऐसे दिखा देंगे बाय बैंक बाय P&L। अगर क्लेम मिला नहीं है और एडमिट हुआ है, ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि हम आपको पैसा देंगे, अभी दिया नहीं है, तो फिर उस केस में बैंक की जगह बाय बैंक अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, बाय इंश्योरेंस क्लेम। बाय इंश्योरेंस क्लेम If claim is admitted, तो claim अगर receive कर लिया है आपने तो फिर by bank, और अगर admit हुआ है तो फिर by insurance claim। ठीक है, लॉस का ट्रीटमेंट हो गया, अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, कंसाइनमेंट इन्वेंटरी। कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री देख लेते हैं, सबसे पहले बॉक्सेस इन स्टॉक। तो माया के यहां से चले थे 400 बॉक्सेस, उसमें से एक बॉक्स हमारा हो गया लॉस्ट इन ट्रांजिट, और जितने बॉक्सेस मिले उसमें से 370 बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, 400 बॉक्सेस माइनस लॉस्ट इन ट्रांजिट 1 बॉक्स माइनस सोल्ड बाय कंसाइनी 370 बॉक्सेस, अकॉर्डिंगली स्टॉक में हमारे पास हैं 29 बॉक्सेस। 29 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालें तो 29 इंटू में 3000, फिर ऐड करेंगे कंसाइनर का खर्चा 29 इंटू में 500। ठीक है, ये वर्किंग नोट में हमें कैसे दिखाना है, लास्ट क्लास में एग्जांपल में हमने सीख लिया था, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ कैलकुलेशन लिख रही हूँ, और वैसे हम वर्किंग नोट पे प्रॉपरली दिखाएंगे सेंटेंस लिखकर, वो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, अभी सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। 29 इंटू में 3000 प्लस कंसाइनर का खर्चा 29 इंटू में 500 प्लस कंसाइनी का, कौन सा खर्चा लेंगे तो आपको याद है नॉन रेकरिंग खर्चा लेंगे, तो नॉन रेकरिंग खर्चा
199,500। कितने बॉक्सेस पर लेंगे? 399 बॉक्सेस पर। हमें चाहिए 29 बॉक्सेस पर। तो करेक्ट, आप सबने वैल्यू निकाल ली है। कंसाइनमेंट स्टॉक 1,16,000। तो पोस्ट कर देंगे अकाउंट में और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 740,350। तो लीजिए भाई, हमारा छोटा सा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन, आसान है लेकिन एरिया ऑफ मिस्टेक बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखें इसे कोई कर पाएगा या नहीं करेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते लिखते क्वेश्चन को आई लव यू बोलना। सच्ची बता रही हूँ, जो मैक्सिमम बार आई लव यू बोलेगा ना, देखना उसी का सही होगा क्वेश्चन, क्योंकि प्यार से सारे काम हो जाते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व क्या बड़ी बात है, ये भी हो जाएगा। लिखिएगा, ए लिमिटेड हैज गिवन यू the following particulars regarding tea, chai patti, regarding tea sent on consignment. Two C stores. तो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी कंसाइंड, और जो सामान भेजा गया है वो एक है 5 kg टिन और दूसरा है 10 kg टिन। दो प्रकार का सामान हमने कंसाइनर के पास भिजवाया है, 5 kg टिन एंड 10 kg टिन। कॉस्ट प्राइस 100 and 180, सेलिंग प्राइस 150 and 250, क्वांटिटी दोनों की ही क्वांटिटी है 1000 टिन्स। Next line, the freight was charged at 5% of selling value. अभी तक हमेशा हर क्वेश्चन में फ्रेट का अमाउंट कैलकुलेटेड होता था कि फ्रेट इतना है। इस बार क्वेश्चन एक आप अपने आप निकालो, और कैसे निकालोगे? 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस।
एक अलग सी लाइन क्वेश्चन के अंदर आ गई, कंसाइनमेंट वॉज बुकड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, इसका क्या मतलब लग रहा है आपको? क्या मतलब है इस लाइन का? अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगाना है, आपको नहीं पता इस लाइन का क्या मतलब है। तो कंसाइनर ने पैसा दिया है फ्रेट का, कंसाइनी पे करेगा फ्रेट, कंसाइनी विल पे, कंसाइनी ने दिया है, दैट मीन्स कंसाइनर ने पेमेंट नहीं करा, कंसाइनी करेगा, कंसाइनी विल पे, कंसाइनी ने किया, इट विल बी पेड बाय कंसाइनी। एक्सीलेंट, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास को ये बात समझ में आ रही है। मतलब अगर पेपर के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने कुछ भी नई प्रकार की लाइन आ जाए, अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, घबराना नहीं है कि ये तो कुछ नया आ गया, आराम से कॉन्फिडेंटली अंदाज़ा लगाओ और देखो आप सब ने सही अंदाज़ा लगाया। कंसाइनमेंट वॉज बुकड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, सिंपल सा मतलब है, टू पे का मतलब है पेमेंट अभी करनी है, पेमेंट अभी हुई नहीं है, तो पेमेंट अगर करनी है तो कब करेंगे? जब सामान पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये जो फ्रेट का खर्चा है ये कौन कर रहा है? कंसाइनी। तो इस पूरी लाइन को अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो इस लाइन का तो सिंपल मतलब है फ्रेट पेड बाय कंसाइनी। क्वेश्चन ने नहीं लिखा ये, हमने खुद समझ लिया, अपने लिए लिख लिया। इसका मतलब है, सिंपल मतलब है, फ्रेट की पेमेंट किसने करी है? कंसाइनी ने। बाद में किससे रिइंबर्स कर लेगा? कंसाइनर से। फिर आगे लिखते हैं, सी स्टोर्स, ये जो हमारे कंसाइनी है, सोल्ड 5 kg tins and 810 kg tins। ठीक है, दो प्रकार का सामान है, दोनों के लिए अलग अलग बता दिया कौन सा सामान कितना बिका है। इसके बाद सी स्टोर का ही खर्चा, इंश्योरेंस 10,000, स्टोरेज 20,000। कमीशन टेन% ऑन सेल्स। फिर आगे लिखने से पहले बस इतना फिर से समझ लो, क्वेश्चन ने कंसाइनी का खर्चा लिख दिया, इंश्योरेंस और स्टोरेज, लेकिन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं फ्रेट भी कंसाइनी का खर्चा है। तो यहाँ पर कंसाइनी के तीन खर्चे हैं, इंश्योरेंस, स्टोरेज प्लस फ्रेट। ठीक है, फिर लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग ट्रांजिट फ़िफ़्टी फ़ाइव kg टिन्स एंड 20 10 kg टिन्स got damaged। क्वेश्चन तो आसान चल रहा है पर ये दो दो चीज़ें आ रही हैं तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रांजिट में इतना हमारा नुकसान हो गया एंड ट्रांसपोर्टर पेड ₹5,000 एज डैमेज चार्ज।
सिंपल सा मतलब है कि भाई हमें 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टर ने हमें कॉम्पनसेट कर दिया क्योंकि उसने हमारी यूनिट्स का नुकसान कर दिया। क्वेश्चन ख़त्म। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाना है कंसाइनमेंट। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। हाँ जी, ये जो कॉस्ट प्राइस गिवन है पर यूनिट है, सेल प्राइस भी आपका पर यूनिट है। कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाएंगे तो GSOC और सेल्स थोड़ा हमें ना अलग अलग दिखाना है, 5 kg टिन्स का और 10 kg टिन्स का। तो कैसे दिखाना है मैं आपको बता रही हूँ, तो कंसाइनमेंट में वैसे ही लिखेंगे हम। तो कंसाइनमेंट में हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और उसके बाद अमाउंट हम अलग अलग लिखेंगे, 5 kg टेंस का और 10 kg टेंस का। तो हमने भेजे हैं 1,005 kg टेंस। कॉस्ट प्राइस है इनका 100 पर यूनिट। और हमने भेजे हैं 1,010 kg टेंस। कॉस्ट प्राइस 180 ईच। तो जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर हम अलग अलग दिखाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो GSOC और सेल्स में दिखाएंगे, बाकी वर्किंग नोट जब बनाएंगे वहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ अलग अलग चाहिए वहाँ अलग अलग शो करना है, 5 kg टेंस इतना और 10 kg टेंस इतना।
काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट या लॉस आंसर दे दिया है, चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। विवेक, आंसर गलत है। कावेरी, आंसर गलत है। रितेश गलत, दिवेश गलत। मुस्कान अभी सही नहीं आया है। पंकज, आंसर गलत है। दिवेश यतिन, आंसर गलत है। तानिया कह रही है सेल ऑफ 5 kg टेंस शुड बी 375। नहीं तानिया, आपके सामने कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, यूनिट्स देखो, मल्टीप्लाई करो सेल प्राइस से, इट इज़ 75,000। ओके, श्रेया का आंसर करेक्ट है, देन रिद्धि का आंसर भी करेक्ट है। प्रिया, खुशी, दिवेक, कावेरी अभी आंसर गलत है। बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन एरिया ऑफ मिस्टेक बहुत सारे हैं इसके अंदर। बिल्कुल एक बेसिक चीज़ की कंसाइनमेंट के ऊपर हम दो चीज़ें भेज रहे हैं, अभी तक हम एक ही भेजते थे, यहाँ पर दो भेज रहे हैं, इतनी सी बात से एरिया ऑफ मिस्टेक बहुत सारे आ गए हैं क्वेश्चन के अंदर। और इसीलिए नो डाउट मेजॉरिटी आंसर गलत निकाल रही है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन ध्यान से करो, जल्दी मत करो। क्या जल्दी है आंसर देने की आपको, और 5 मिनट बाद दे देना, जल्दी मत करो, क्वेश्चन को रीचेक करो फिर आंसर लिखो। ये आंसर मुझे भेजा है श्रेया ने। श्रेया देखो, स्पेशली हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि GSOC को दो पार्ट में ही दिखाना है, 5 kg टेंस अलग करके, 10 kg टेंस अलग करके, ऐसे ही सेल्स भी हम अलग अलग ही दिखाएंगे। तो अभी इकट्ठे दिखाया आपने, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, हम अलग अलग ही दिखाएंगे। रिद्धि ने आंसर भेजा है, रिद्धि बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कहाँ है आपने नहीं लिखा। और GSOC हम पेपर में नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चलिए तब तक एबनॉर्मल लॉस की मैं आपको वैल्यू बताती हूँ। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू चेक कीजिए, 9225। चाहे इसे हम ऐसे दिखाएंगे या फिर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, बाय बैंक, हमें, हमारे लिए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कि हमें 5,000 रुपये मिल गए एंड देन बाय P&L। दोनों तरीके में से हम कैसे भी दिखा सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू चेक कीजिए, 4225। तो एबनॉर्मल लॉस चेक करते हैं, हमारे पास जो यूनिट्स लॉस्ट हो गई हैं वो हैं 55 kg टिन्स,
इनका हम देखें कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 100, और साथ ही साथ नुकसान हुआ है 20, 10 kg टेंस का, 10 kg टेंस की कॉस्ट हमारे पास है 180। ठीक है, सबसे पहले तो हमने निकाली इनकी कॉस्ट, 55 kg टेंस 100 पर और 20 10 kg टेंस 180 पर, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 8600। फिर इसमें ऐड करेंगे हम खर्चा, खर्चा कंसाइनर तो कोई कर नहीं रहा है, कंसाइन ही कर रहा है फ्रेट का, तो क्या फ्रेट का खर्चा इन यूनिट्स पर हम ऐड करेंगे? यस हम ऐड करेंगे, रीज़न लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो जो फ्रेट का खर्चा है वो इन यूनिट्स पर इनकर हो चुका है। इट इज़ नॉट रेलिवेंट हु हैज़ पेड द एक्सपेंडिचर ऑफ फ्रेट, नॉट रेलिवेंट एट ऑल। खर्चा कंसाइनर ने पे किया या कंसाइनी ने पे किया, इट डजन मैटर। हमें लॉस के ऊपर कौन सा खर्चा प्रोपोर्शनेट करना है? जो खर्चा इनकर हुआ है, तो इन यूनिट्स पर फ्रेट इनकर हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं फ्रेट, और फ्रेट को जब कैलकुलेट करेंगे तो खास ध्यान रखना है फ्रेट की कैलकुलेशन है 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू, यानी कि 5% ऑफ हमारे जो 55 kg टेंस हैं मल्टीप्लाइड बाय इनका सेल प्राइस 150, और दूसरा फ्रेट हो जाएगा 5% ऑफ हमारे 20 10 kg टेंस डिस्ट्रॉय हुए हैं, इनका सेल प्राइस है 250। ये आएगी हमारी टोटल फ्रेट, देखें कितनी आ रही है। सिक्स ट्वेंटी फाइव की ये हमारी आ रही है फ्रेट। इसके अलावा कोई खर्चा? इंश्योरेंस, स्टोरेज, कंसाइन ही कर रहा है यानी कि गोडाउन से रिलेटेड है, इंश्योरेंस गोडाउन की है, रस्ते की नहीं है। रस्ते की होगी तो मेंशन होगा ट्रांजिट इंश्योरेंस, या फिर कंसाइनर करेगा तो फिर वो ट्रांजिट इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर और कोई खर्चा प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, तो ये आ गई अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू। इसमें से हमें 5000 का डैमेज मिल गया है तो हमारे लिए नेट लॉस हो जाता है 4225। फिर करेंगे इन्वेंट्री को वैल्यू, इन्वेंट्री तो देखिए कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री करेक्ट अमाउंट आना चाहिए 8,3,0,2,5। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री में बताइए कौन सा खर्चा हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। ठीक है, रूल लगा हुआ है कंसाइनी के गोडाउन पर पहुंचने से पहले वाला खर्चा। जितने स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं, हर्ष आंसर गलत है, मुस्कान आंसर गलत है, उदिति, आर्यन, तान्या, प्रिशा आंसर सही है। अभी तो मैंने आपसे बताया, अभी अभी तो मैंने आपको बोला इंश्योरेंस का खर्चा कंसाइनी ने किया है, इसका मतलब इट इज़ रिलेटेड टू गोडाउन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। जहाँ पर खर्चा इंश्योरेंस का कंसाइनी कर रहा है, भाई कंसाइनी किस बात की इंश्योरेंस करा रहा है? तो वो उन्हीं गुड्स की इंश्योरेंस करा रहा है जो गोडाउन में रखे हैं।
किसके बिहाफ पे करा रहा है? कंसाइनर के बिहाफ पे। कंसाइनर अगर इंश्योरेंस करा रहा है तो उस सामान की जो उसने भिजवाया है, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस स्टॉक का पार्ट बनेगा, कंसाइनी की इंश्योरेंस स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। यानी कि जब हम इन्वेंट्री निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ एक ही खर्चा प्रोपोर्शनेट होना है, जो कौन सा है? फ्रेट का। तो सिर्फ फ्रेट को हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, और देखिए इन्वेंट्री 83025 आनी चाहिए। यस, अब तो प्रॉफिट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाल लिया है। 9750 इज करेक्ट प्रॉफिट। तो बहुत सारे बच्चे निकाल चुके हैं प्रॉफिट, तो अब हम निकाल लेते हैं कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री। तो कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री देखते हैं। सबसे पहले 5 kg टिन्स, 5 kg टिन्स की अगर हम बात करें तो बताइए स्टॉक में कितने हैं 5 kg टिन्स? तो भाई कितने टिन्स हमारे चले थे? 1450। यस करेक्ट, 1000 टिन्स हमारे चले थे। इसमें से हमने कितने बेच दिए? तो दोनों की हम साथ साथ निकाल लेते हैं। 10 kg टिन्स भी हमारे 1000 ही चले थे कंसाइनर के यहाँ से। अब इसके बाद हमने बेच दिए हैं 505 kg और 810 kg। तो जो सामान हमने बेचा वो हमने कर दिया माइनस। फिर उसके बाद हमारा नुकसान भी है, ये रहा लॉस 55 kg 20 10 kg। तो 55 kg वाले ये खो गए और 20 10 kg वाले। तो सबसे पहले तो आराम से चेक कर लो यूनिट्स जो हमारे पास स्टॉक में हैं। फोर फिफ्टी और 180। अब देख लेते हैं इनकी कॉस्ट। तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 180 मल्टीप्लाइड बाय 180। 100 एंड 180 हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो ये तो हमारी कॉस्ट हो गई। अब इसमें खर्चा ऐड करना है, सिर्फ एक ही खर्चा ऐड करेंगे, फ्रेट का। फ्रेट का खर्चा ऐड करते हैं, और फ्रेट वाली कहानी में ट्विस्ट यही है कि ये खर्चा निकलेगा सेलिंग प्राइस पर। तो फ्रेट का परसेंटेज हमारे पास है 5%, लेकिन ये निकलेगा सेलिंग प्राइस पर। तो 5 kg टिन्स का देखें तो 450 हमारे पास 5 kg टिन्स हैं, और मुझे चाहिए इनका सेलिंग प्राइस 150। फिर ऐसे ही 10 kg टिन्स का देखें तो 5% ऑफ 180 10 kg टिन्स है, और इसका सेलिंग प्राइस है 250। मैम सेलिंग प्राइस पर क्यों निकाला है? ओहो, बस मैम अगर ये सेलिंग प्राइस नहीं होता तो क्वेश्चन कितना आसान था। तो सानिया बेटा हमने सेलिंग प्राइस पर इसलिए निकाला है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस पर निकालो। क्वेश्चन पे नज़र डालें, फ्रेट इज चार्ज्ड 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऐसे निकलेगा, तो भाई ऐसे ही निकलेगा फिर। तो 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू,
तो अब देखो इतना सब कुछ ऐड करेंगे तब जा कर के हमारी इन्वेंट्री आएगी 83025। नहीं कावेरी, ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट, बस इतना ही है। अमाउंट उस तरीके से निकाल रहे हैं हम, तरीका वो है अमाउंट निकालने का, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाँ रितेश, इसीलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, इसीलिए फ्रेट को मैंने ऐसे निकाला है। मैं हमेशा क्लास के अंदर वो ही मेथड कराती हूँ जिसमें गलती के चांसेस नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट्स का जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैम अगर हम ऐसे निकालें तो, मैम अगर हम ऐसे निकालें तो निकालो। निकालने के तरीके तो और भी हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से क्लास में कराती हूँ तो मेरा फोकस इसी बात पर होता है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से फ्रेट निकाल लेते हैं तो भाई कैसा भी कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, हमारा अमाउंट जो है वो गलत नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको डायरेक्टली निकालें, ठीक है। तो अब ये इन्वेंट्री हम डाल देते हैं, तो देखें प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्या इतनी मेहनत करके हमने कुछ प्रॉफिट कमाया भी है कि नहीं? कमा तो लिया है 9750। फुल अकाउंट दिखाना है, लीजिए कपिल देख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।